ने गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर से एटीएस ने गिरफ्तारी की है और यूपी एटीएस टीम ने देर रात छापा मारा था। इसके बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो यूपी एटीएस ने एक और गिरफ्तारी की है। यूपी एटीएस ने देर रात छापा मारा और एक व्यक्ति को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो रोहिंग्या मामले में एटीएस ने एक और गिरफ्तारी की है, देर रात छापा मारा गया। सिद्धार्थनगर से एटीएस ने यह गिरफ्तारी आज की है। यूपी एटीएस टीम ने देर रात छापा मारा था, इसके बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कल भी एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है और आज एक बार फिर यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। देर रात छापा मारा गया था जिसके बाद एक और व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। तो रोहिंग्या मामले में एटीएस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, एक और गिरफ्तारी की गई। सिद्धार्थनगर से एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है। यूपी एटीएस टीम ने देर रात छापा मारा और इस व्यक्ति को यहां पर से गिरफ्तार किया गया। तो यूपी एटीएस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इससे पहले आपको बता दें कल भी एक गिरफ्तारी की गई थी। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर किसानों के